अमीर सहेली ने खाया गरीब खाना। श्रेया और गौरी बचपन की दो सहेलियां हैं। दोनों के बीच अमीरी गरीबी की बड़ी दीवार खड़ी है। श्रेया को अपने अमीर होने का जरा भी घमंड नहीं, उसके लिए गौरी बस उसकी सहेली है। दोनों सहेलियां बड़ी हो चुकी हैं। कॉलेज पूरा होते ही श्रेया की शादी बड़े ही अमीर घर में तय हो जाती है। गौरी, मेरी शादी हो रही है, अब हम दोनों सहेलियां अलग अलग हो जाएंगी। अरे ये तो खुशी की बात है, फिर तू परेशान क्यों है? जब तेरा जी करे अपनी इस सहेली से मिलने चली आना। गौरी की कही बात को सुनकर श्रेया का चेहरा खुशी से खिल उठा और ढोल ताशे की गूंज और धूमधाम के साथ श्रेया की शादी अनुराग से हो जाती है। श्रेया का ससुराल बहुत ही अमीर और समृद्ध था, जिसे देखकर श्रेया खुश होकर कहती है, अरे वाह, इतना बड़ा बंगला, काश कि गौरी यहाँ होती। शुरुआत में श्रेया को अपने ससुराल बहुत अच्छा लगा, मगर इतने बड़े घर में केवल अनुराग और मेनका रहते थे। अनुराग सुबह से रात तक ऑफिस में रहता और मेनका हर दिन किटी पार्टी के लिए घर से गायब रहती। ऐसे में श्रेया की जिंदगी अपने अमीर ससुराल में सिमट कर रह गई थी। उसके पास बात करने को कोई नहीं रहता। वहीं दूसरी तरफ गौरी की शादी एक गरीब घर में हो जाती है। गौरी का ससुराल ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर उस कच्चे घर जमीन के अंदर खुशियों की कोई कमी नहीं थी। गौरी के घर आते ही उसके सास ससुर, पति, ननद और गोपाल की दादी ने गौरी का खुशियों भरा स्वागत किया। गौरी बहू, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करके अंदर आ जा। जी माँ जी। अंदर आकर गौरी ने अपनी सास ससुर और हीरा मणि के पैर छुए। बहुत ही जल्दी गौरी अपने छोटे से घर आंगन में घुल मिल गई। उस घर में जैसे जिंदगी बसती थी। हर रोज सुबह उठकर सफाई करना, घर आंगन लीपना और फिर जंगल से लकड़ी लाकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना गौरी की जिम्मेदारी थी, जिसे देखकर गोपाल कहता है, गौरी मुझे माफ कर देना, तुम मेरे परिवार के लिए इतना सब करती हो और मैं शादी के बाद से तुम्हें आज तक एक दर्जन चूड़ी भी नहीं लाकर दे पाया। तुम भी सोच रही होगी ना कि कैसी गरीब ससुराल है। अजी आप ये क्या कह रहे हैं, ये तो मेरी खुश नसीबी है जो मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है। और घर छोटा है या बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईंट और पत्थर से सिर्फ मकान बनते हैं। एक अमीर घर वो है जहाँ परिवार में प्यार हो, वो घर अमीर और खुशियों से भरा हो। गौरी की बातों ने उसके ससुराल वालों का दिल जीत लिया। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन देखते ही देखते श्रेया की शादी को एक साल हो गया। अनुराग, कल हमारी शादी की सालगिरह है। शो व्हाट श्रेया, शादी की सालगिरह ही तो है। मैं सोच रही थी कि हम दोनों कहीं घूमने चले, हमारी शादी को एक साल हो गया है। सॉरी श्रेया, बट कल मेरे एक बड़े बिजनेसमैन के साथ मीटिंग है, सो प्लीज मुझसे टिपिकल वाइफ की तरह कोई एक्सपेक्टेशन मत लगाना कि मैं घर जल्दी आ जाऊं या तुम्हारे साथ घूमने जाऊं। मैं अपने काम का लॉस नहीं कर सकता, ओके? अनुराग की इस बात ने श्रेया के सपनों को तोड़ कर रख दिया। श्रेया सारी रात फूट फूट कर रोती रही। तभी उसे गौरी का फोन आता है। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो मेरी प्यारी सहेली। थैंक यू गौरी। दोनों सहेलियों ने बड़े वक्त बाद एक दूसरे से बात की। अगली सुबह श्रेया की सास मेनका उसे एक हीरो का हार देकर कहती है, दिस इज फॉर यू श्रेया। थैंक यू सो मच माँ जी। ओह गॉड श्रेया, मुझे माँ जी मत बुलाया करो, क्योंकि अभी तो मैं जवान हूँ। कॉल मी सासू मॉम और मेनका। एनीवे, मुझे आज अपनी फ्रेंड पल्लो के साथ पब जाना है सुबह। कितनी कमजोर होती जा रही हो तुम, घर में इतने सारे नौकर हैं, उनसे कहकर जो मन करे बनवा कर खाया करो। थोड़ी देर में मेनका और अनुराग घर से निकल जाते हैं और भोला कहता है, अरे बीबी जी, आपके लिए खाने में क्या बना दूं? कुछ नहीं भोला भैया, मुझे भूख नहीं है, आप रहने दीजिए। इसके बाद श्रेया अपनी सहेली गौरी के ससुराल आती है। श्रेया को देखकर गौरी खुशी से भरकर उसे गले से लगा लेती है। श्रेया मेरी सहेली, तू यहाँ अंदर आ, यहाँ बैठ। गौरी जल्दी से अपने साड़ी के आंचल से घर में रखी कुर्सी को साफ कर देती है और श्रेया वहाँ बैठ गई। इतने में गौरी की सास, दादी और ननद वहाँ आती है। अरे गौरी बहुरिया, ये सुंदर सी बिटिया तुम्हारी सहेली है ना? हाँ दादी माँ, ये मेरी सहेली श्रेया है। भाभी, आपकी सहेली बहुत सुंदर है। इतने में सुलेखा नेहा के कान में फुसफुसाती है। नेहा, जा जाकर जल्दी से बाजार जाकर बिटिया के लिए नाश्ता पानी ले आ। नेहा बाजार जाकर कुछ समोसे और दो रसगुल्ले लेकर घर आती है और श्रेया के लिए नाश्ता लाती है। ये लीजिए श्रेया भाभी, नाश्ता कीजिए। अरे इस सब की क्या जरूरत है? अरे कैसे जरूरत नहीं है बिटिया, तुम हमारी बहू की सहेली हो और पहली बार हमारे घर आई हो।
गौरी के गरीब ससुराल वालों की मेहमान नवाजी देखकर श्रेया का मन भर आया और वो सोचने लगी, एक गरीब का घर कितनी खुशियों से भरा होता है, क्योंकि वह गरीबी में भी खुशियां ढूंढते हैं। एक अमीर जितना अमीर होता है और भी ज्यादा अमीर होने की होड़ लगी रहती है। इसके बाद श्रेया और गौरी एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। देखते ही देखते शाम ढल जाती है, तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे गौरी, बारिश शुरू हो गई है, अब मुझे घर जाना होगा। बेटी, बरसात इतनी तेज है, आज के लिए यहीं ठहर जाओ। हीरामणि के कहते ही श्रेया गौरी के घर रुक जाती है। तभी गौरी का पति गोपाल और ससुर राम नारायण भीगते हुए घर आते हैं। अरे भाग्यवान, अरे जरा जल्दी से चाय बना दो। सुलेखा नेहा के साथ रसोई में आती है, जहां थोड़ा सा दूध रखा होता है। सुलेखा उसकी चाय बनाकर श्रेया को देती है और बाकी के सदस्य गरीबी और लाचारी के कारण लाल चाय पीते हैं। जिसके बाद नेहा कहती है, अम्मा आटा तो बहुत थोड़ा सा है, साग सब्जी भी खत्म हो चली है, अब बस कुछ आलू पड़े हैं। अरे बेटी, तू आलू काट, मैं इसकी पतली सब्जी बना दूंगी, उसे पूरा परिवार खा लेगा। सुलेखा की बातें श्रेया सुन लेती है। थोड़ी ही देर में सुलेखा आलू की पतली सी सब्जी और गरम गरम रोटी बनाकर सबसे पहले घर आई बहू की सहेली श्रेया को परोसती है। लो श्रेया बेटी, जो रूखा सूखा रखा है उसे खा लो। जानती हूँ तुम्हें इन सब की आदत नहीं होगी, क्योंकि तुम इतने बड़े घर की बहू हो, तुम तो चांदी के बर्तन में खाने की आदत होगी, फिर ये तो गरीब के घर की थाली है। माँ जी, ये रूखा सूखा मेरे लिए उस अमीर के खाने से कहीं ज्यादा बढ़कर है, क्योंकि इसमें खुशी है, अपनापन है, अकेलापन नहीं। अब जल्दी से आप सभी भी खाना खाइए। इसके बाद नेहा सभी को खाने की थाली परोसती है और साथ में सभी हंसते मुस्कुराते हुए खुशी से मिल बांट कर खाना खाते हैं। उस रोटी और पतली सब्जी से श्रेया ने भूख से भी बढ़कर खाना खाया, क्योंकि ऐसी खुशियों भरा माहौल जो अब अपने ससुराल में हमेशा वो खोजती रही, वो से श्रेया ना अपनी गरीब सहेली गौरी के घर परिवार के बीच में उसने पाया। अगली सुबह श्रेया गौरी के गले लगकर अपनी ससुराल लौटते वक्त बोली, गौरी भले रुतबे में मैं तुझसे अमीर हूँ, मगर रिश्तों में तू मुझसे कहीं ज्यादा बढ़कर अमीर है। तू खुश किस्मत है जो तुझे इतना प्यार भरा ससुराल मिला है। इस घर में गम की कोई जगह नहीं, क्योंकि यहाँ जिंदगी बसती है, यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। चलती हूँ। जैसे ही श्रेया घर पहुँचती है तो मेनका और अनुराग उसे भला बुरा सुनाना शुरू कर देते हैं। आ गई बहू रानी। श्रेया कहाँ चली गई थी तुम? मैं और माँ कितना परेशान हो रहे थे। तुम इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो? तुम्हें रिश्तों की कोई परवाह नहीं? ये बात तुम कह रहे हो अनुराग, जिसे सिर्फ पैसे कमाने की पड़ी रही। इतने बड़े घर की बहू होकर भी मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तुम्हें सिर्फ अपने बिजनेस की पड़ी है और माँ जी को अपनी किटी पार्टी की, मगर मैं बेचारी बहू कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ? इस बंगले की आलीशान दीवारें मुझे खाने को दौड़ती हैं। इस घर में नौकर हैं जो मेरी ख्वाहिश के लिए खाना तो बना सकते हैं, मगर वो भूख और वो खुशी जो अपनों के साथ बैठकर खाने में आता है, उसका क्या? ऐसा कहते हुए श्रेया फूट फूट कर रोने लगती है, जिसके बाद अनुराग और मेनका को श्रेया की परेशानी समझ आ जाती है। I'm sorry श्रेया, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। अपने काम के चक्कर में मैं तुम्हें कभी टाइम नहीं दे पाया, मगर अब मेरा सारा वक्त तुम्हारा होगा। हाँ बहू, तू रो मत, चुप हो जा, अपनी सास को माफ कर दे, मैं तुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उस दिन के बाद से श्रेया का अधूरा सपना पूरा हो जाता है। मेनका और अनुराग श्रेया को पूरा पूरा समय देते हैं और श्रेया की जिंदगी खुशियों से भर देते हैं। रेखा एक गरीब औरत थी, वो मिट्टी के बर्तन बेचकर अपने दोनों बच्चों का गुजारा किया करती थी। आधुनिक जमाने में कोई भी मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने वाला नहीं था, जिसके चलते रेखा के कुछ ही मिट्टी के बर्तन बिकते हैं और वो कुछ पैसे कमाकर घर आ जाती है। ऐसे ही उसकी जिंदगी कट रही थी। घर आने के बाद वो रात भर मिट्टी के बर्तन बनाती रहती। माँ, आप अभी भी मिट्टी के बर्तन बना रही हो? अरे माँ चलो, मैंने आपके लिए खाना बनाया है। तू चल बेटी, मैं बस थोड़े से बर्तन बना कर आती हूँ। थोड़े से बर्तन बनाने के बाद रेखा घर में आ जाती है, जिसके बाद वो सभी एक साथ खाना खाने लगते हैं। तभी खाना खाकर रेखा कहती है, हमारी पूजा बड़ी हो गई है, अब तो हमें इसके लिए लड़का देखकर इसकी शादी कर देनी चाहिए। सही कहा माँ, पूजा के हाथ पीले कर दो, ताकि हमारे सिर से उसका बोझ उतर जाए। अच्छा, तो आपको मैं एक बोझ लगती हूँ, है ना? अगर ऐसी बात है तो मुझे इस घर में पाली क्यों रहे हो, निकाल फेंको। ऐसा कहकर पूजा अधूरा खाना खाकर वहाँ से उठकर चली जाती है। लगता है पूजा को तुम्हारी बात बुरी लग गई। ये भी ना माँ, बीकार में मुंह फुलाकर बैठ जाती है।
पूजा को ये बात बहुत ज्यादा दिल में चुभ जाती है। वहीं कुछ ही दिनों में उसके लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आता है। जैसे तैसे करके बेचारी रेखा अपनी बेटी की शादी एक अच्छे अमीर घर में कर देती है और उसकी शादी के बाद वो अपने बेटे कन्हैया के लिए एक बहू भी ले आती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, कन्हैया की नौकरी भी लग जाती है और सब लोग हंसी खुशी रह रहे थे। लेकिन शादी के बाद मानो जैसे पूजा अपने परिवार को भूल ही गई हो। कितने दिन हो गए हैं, पूजा से एक बार भी बात नहीं हुई है। अरे कन्हैया बेटा, पूजा को फोन लगाना। फोन लगते ही दूसरी तरफ से पूजा फोन पर गुस्से से कहती है, अरे क्या दिक्कत है माँ आपको, जब देखो फोन करती रहती हूँ। आपको पता है ना मैं अपने ससुराल में कितनी बिजी रहती हूँ, दोबारा फोन मत करना। अपनी माँ की बात सुने बिना ही पूजा फोन काट देती है और पार्टी में एंजॉय करती रहती है। लगता है बहुत व्यस्त है आजकल। कोई बात नहीं। अपनी बेटी की कड़वी बातें भी रेखा को बुरी नहीं लगती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से पूजा वापस अपने घर एक बड़ी सी गाड़ी में आती है। अरे पूजा बेटी, कितने दिनों बाद तुझे देख रही हूँ, कैसी है तू? नहीं माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं अपने पति से लड़ झगड़ कर आई हूँ और अब मैं आपके पास ही रहूंगी। रेखा अपनी बेटी को खूब समझाती है लेकिन पूजा उसकी एक नहीं सुनती और उस दिन के बाद से वो अपनी माँ के घर में ही रहती है। लेकिन पूजा पहले से बहुत ज्यादा घमंडी हो जाती है और यहाँ तक कि वो अपनी भाभी को देखकर जलने भी लगती है। मैं इस घर से गई क्या हूँ, यहाँ तो लोगों ने कब्जा कर लिया है लेकिन मुझे अपना हिस्सा लेना बहुत अच्छे से आता है। उस दिन के बाद से पूजा हर छोटी से बड़ी बातों पर अपनी भाभी सुप्रिया को ताने देना शुरू कर देती है। हे भगवान, कितनी थर्ड क्लास साड़ी पहनी है तुमने। मेरी साड़ी देखी है तुमने, कितनी महंगी है। और तुम गांव की शादी में इतनी थर्ड क्लास की साड़ी पहनकर जाओगी तो हमारे घर की इज्जत खराब हो जाएगी। ये लो मेरी साड़ी पहन लेना। अरे नंद जी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मेरे लिए इतना ही काफी है। लेकिन ये मेरे पति ने मुझे ला कर दी है और मुझे पसंद है। तुम जैसे थर्ड क्लास के लोगों का कुछ नहीं हो सकता। पूजा ऐसा कहकर वहाँ से चली तो जाती है लेकिन ये सब कन्हैया सुन लेता है जिसके चलते उसे बुरा लगता है। ऐसे ही एक दिन पूजा के दिमाग में घर के बंटवारे का ख्याल आता है। माँ, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? आपने मुझे दिया ही क्या है, मेरी शादी करके दूसरे घर भेज दिया लेकिन इस घर में तो मेरा कोई हक है ही नहीं। अरे बेटी, सब कुछ तेरा ही है, बोल तुझे क्या चाहिए। मुझे इस घर में मेरा हिस्सा चाहिए माँ, इस घर को आधा करो, एक तरफ मेरा हिस्सा होगा और एक तरफ भैया भाभी का, आपका जहाँ मन करे वहाँ रह लेना। ये तो कैसी बातें कर रही है बेटी, इस झोपड़ी का भी भला कोई बंटवारा हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। बहना, बंटवारा की जरूरत ही क्या है, हम एक साथ भी रह सकते हैं। अरे सब जानती हूँ मैं, आप मेरा हिस्सा भी मारना चाहते हो इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। लेकिन नंद जी, बस करो भाभी, इस घर में आने के बाद सब तो हड़प ही लिया है, अब मेरा हिस्सा भी हड़पना चाहती हो मेरी माँ से? पूजा जिद पर अड़ जाती है, वो किसी की नहीं सुनती। बेटी अगर तू ऐसे खुश है तो ठीक है, इस घर का बंटवारा जरूर होगा लेकिन एक शर्त है, तुझे उस तरफ अकेले ही रहना होगा। हाँ ठीक है माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी मुझे अकेले ही तो रहना है उस तरफ। झोपड़ी के बीच में एक बड़ी सी दीवार खड़ी हो जाती है, जहाँ एक तरफ तो रेखा अपने बेटे और उसकी पत्नी के साथ रहती तो वहीं दूसरी तरफ पूजा अकेली रहती। लेकिन पूजा अपने साथ लाए हुए पैसों से अपने हिस्से की जमीन पर अपना अच्छा सा मकान खड़ा कर देती है। ये देखकर रेखा को खुशी बहुत होती है। अरे वाह बेटी, तूने तो बहुत अच्छा किया, इतना बड़ा मकान तो मैं कभी जिंदगी में नहीं बनवा पाती। हाँ माँ, मैं जानती हूँ कि आप कितनी गरीब हो लेकिन क्या करूँ, मुझे आपकी तरह गरीबी में रहने की आदत नहीं है। मेरे पास जो पैसे थे मैंने उनमें से ही अपना मकान बनवा लिया। अब देखो मेरे घर में एसी भी है, रहने के लिए अच्छा फर्नीचर भी है, बिल्कुल एक लग्जरी लाइफ की तरह। ये तो बहुत अच्छी बात है नंद जी, लेकिन मेरे हिसाब से आपको पैसा देखकर खर्च करना चाहिए, आगे के लिए बचाकर रखोगी तो आपके ही काम आएगा। मेरा पति करोड़पति है, मुझे पैसों की कमी कभी नहीं होगी। कमी तो तुम जैसी गरीब बेसहारा औरतों को होती है जिनके पति निठल्लू होते हैं और मुट्ठी भर पैसों के लिए पूरे महीने गदा मजदूरी करते हैं। अरे बेटी, इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, मैं तो चाहूंगी कि तू और ज्यादा तरक्की करे। रहने दो माँ, दुआ मेरे लिए नहीं बल्कि अपने बेटे और बहू के लिए करो, उन्हीं को जरूरत है। पूजा अपनी भाभी और अपनी माँ को अपनी अमीरी का घमंड दिखाकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन कहते हैं ना, अंबर पर थूका हुआ हमेशा मुंह पर ही आकर गिरता है, इसी प्रकार पूजा के साथ भी होता है। चिराग को प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा लॉस होता है जिसके चलते पूजा के घर की नीलामी होने तक की नौबत आ जाती है। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरा पति तो कंगाल हो ही गया, अब मुझसे मेरे हिस्से का मकान भी छिन जाएगा।
अपनी बेटी को रोता हुआ देख रेखा का दिल पिघल जाता है। बेटी, रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तेरे बड़े भाई की नौकरी के लिए पैसे संभाल कर रखे थे, लेकिन कोई बात नहीं, पैसे तो हाथों का मैल होते हैं, फिर कमा लेंगे। तू इन पैसों से अपने इस मकान को छुड़वा लेना। रेखा सारे के सारे पैसे पूजा के हाथ में रख देती है। तब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने कितनी बड़ी गलती की, इस घर का बंटवारा किया, मेरे भैया भाभी को अपमानित किया, लेकिन फिर भी आप सभी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आखिर तो मेरी बेटी है, तेरी माँ गरीब जरूर है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। पूजा उन पैसों से अपने मकान को छुड़वा लेती है, जिसके बाद पूजा अपने पति चिराग के साथ नौकरी करती है और दोनों पैसा इकट्ठा करके झोपड़ी और मकान को तोड़वा कर एक पूरा मकान बनवा देते हैं, जिसमें पूजा अपने पति, भैया भाभी और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहती है। संध्या की शादी सागर से हो जाती है और वो बहू बनकर ससुराल चली आती है, जहाँ उसकी सास सुलेखा उसका गृह प्रवेश कराती है। आजा नई बहू, इस गरीब खाने में तेरा स्वागत है। संध्या का ससुराल एक कमरे में सिमटा हुआ था, जहाँ एक कोने में स्टोव रखा था तो दूसरी तरफ गंदे बर्तन और एक ओर में खाट लगी हुई थी, जिसे देखकर गरीब सुलेखा हिचकते हुए कहती है, तू भी सोच रही होगी ना संध्या बहू कि तेरे ससुराल वाले एक ही कमरे में रहते हैं। और नहीं तो क्या माँ जी, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आखिर कब तक हम इस माचिस के डिब्बे जैसे छोटे से कमरे में रहते रहेंगे। अब तो देवर जी की भी शादी हो गई, अब तो हमें बड़ा घर ले लेना चाहिए। मेरे मायके में सिर्फ मेरे मम्मी डैडी और दो जन होकर भी उन्होंने 2 BHK का बड़ा घर बना रखा है। माफ करना जेठानी जी, मगर घर छोटा बड़ा होने से नहीं होता। घर चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, मगर उसमें रहने वाले परिवार के बीच प्यार हो तो वो घर खुशियों भरा घर, खूबसूरत आशियाना बन जाता है। संध्या की बात उसकी ससुराल वालों का दिल जीत लेती है और संध्या बहू होने की सारी जिम्मेदारी उठा लेती है। सुबह सुबह सबसे पहले उठना और सभी के लिए चाय नाश्ता बनाना, जिसे देखकर सागर कहता है, संध्या मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसी सुलझी हुई पत्नी मिली है। हमारी शादी को इतने दिन हो गए, मगर कभी भी तुमने मुझे एक कमरे के ससुराल के लिए कोई शिकायत नहीं की। मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ ढल जाओगी। सागर जी, मेरा ससुराल ही अब मेरा घर है, और छोटा हो सही मगर हमारे सर पर छत तो है, वरना कितने गरीब फुटपाथ और सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं। धीरे धीरे संध्या के ससुराल वाले उसके साथ घुल मिल जाते हैं, जिसे देखकर जूली मन ही मन जलने लगती है। तभी एक दिन संध्या को फोन आता है, जिससे संध्या के हाथ से फोन छूट जाता है और वो रोने लगती है। क्या बात है संध्या बहू, समधन जी फोन पर ऐसा क्या कहा कि तू फूट फूट कर रोने लगी? बाऊजी, गांव में बड़ा भूकंप आया था, सभी के घर ढह गए, अब क्या होगा? माँ, पिताजी, पूजा और पंकज कहाँ जाएंगे? अरे बहू, तू रो क्यों रही है, हम है ना। फिर संध्या के ससुराल वाले उसके मायके वालों को अपने पास बुला लेते हैं, जिस पर जूली चिढ़कर संध्या के मायके वालों को ताने मारती है। बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया था, अभी तक तो इस छोटे से कमरे में हम ससुराल वाले ही रहते थे, अब देवरानी जी के मायके वाले भी चले आए। बड़ी बहू, बोलने से पहले जरा तो सोचा कर, संध्या बहू के मायके वाले कोई खुशी से थोड़ी हमारे यहाँ रहने आए हैं, उन्होंने अपना घर खोया है, ऐसे में हम इनके काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा। समधन जी, समधी जी, यहाँ बैठिए। सुलेखा संध्या के माता पिता को कमरे के कोने में लगी टूटी फूटी खटिया पर बिठा देती है। देखते ही देखते ही शाम ढल जाती है और फिर चिंकी कहती है, माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, खाना बना दो। चुप कर चिंकी, वरना तुझे चाटा मारूंगी। अरे बहू, क्यों बेचारी बच्ची को डरा रही है, उसे भूख लगी है और वैसे भी खाना बनाने का वक्त हो चला है, सब्जी तो काटना शुरू कर। माँ जी आप ही बताइए, कहाँ बैठकर काटूं सब्जी और कैसे बनाऊं खाना, कमरे की सारी जगह तो संध्या के मायके वालों ने घेर रखी है, जब से आए हैं कुल्फी की तरह कमरे में ही जम गए हैं, ये नहीं कि थोड़ी देर बाहर निकल जाए। जूली के ताने संध्या के गरीब मायके वालों के दिल पर बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं, मगर ताने सुनकर बेटी के ससुराल में रहना उनकी मजबूरी थी। तभी संध्या के छोटे भाई बहन पूजा और पंकज कमरे से उठकर बाहर बैठ जाते हैं। संध्या दीदी, मैं और पूजा बाहर बैठे हैं। इसके बाद जूली मुंह बनाकर कहती है, देखो देवरानी जी, मैंने तुम्हारे मायके वालों का ठेका नहीं लिया, इसलिए मुझसे इतने सारे आटे की रोटियां नहीं बनाई जाएंगी। कोई बात नहीं जेठानी जी, खाना मैं बना लेती हूँ। इस तरह जूली अपनी देवरानी के गरीब मायके वालों का फायदा उठाकर सारा काम संध्या पर थोप देती है
और संध्या को भरी गर्मी में अकेले ही अपने गरीब मायके वालों और साथ ही ससुराल वालों का भी खाना बनाना पड़ता है। सासू माँ, ससुर जी, माँ, पिताजी, पूजा, पंकज, खाना खा लीजिए। बहू, पहले अपनी माँ और पिताजी को खाना परोस दो, हम बाद में खा लेंगे। अरे नहीं नहीं बेटी, मुझे भूख नहीं है, तू अपने ससुर जी को खाना खिला दे। इसके बाद संध्या अपने ससुराल वालों को खाना परोसती है। जूली अपनी बेटी को खाना खिलाकर कहती है, चिंकी को जल्दी जल्दी खाना खिलाकर अपना, रवि का और चिंटू का बिस्तर लगा लेती हूँ, वरना फिर किल्लत के साथ सोना पड़ेगा। जूली जैसे ही सोने के लिए जाती है तभी सुलेखा कहती है, अरे जूली बहू, ये जूठे बर्तन मांझ दे ताकि सोने के लिए थोड़ी और जगह बन जाए। जी माँ जी। जूली गंदे बर्तन लेकर धोने चली जाती है और बर्तनों को पटकते हुए उन पर गुस्सा उतारती है। पता नहीं और कितने दिन इस गरीब खाने में काटना पड़ेगा। एक तो इस बिच्चम बिच्चे में बाथरूम में बर्तन धोना नहीं बनता और आज से हाथ पांव सिकोड़कर सोना पड़ेगा। इसके बाद ससुराल वालों और मायके वालों को एक ही कमरे में सोने में बहुत सी परेशानी झेलनी पड़ती है और आधी रात को जूली संध्या के भाई बहन पूजा और पंकज को एकदम कोने में खिसका कर खुद फैल कर सो जाती है। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। एक सुबह जूली कहती है, अरे पूजा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कमरे की सफाई कर दो, जब देखो बैठी रहती हो, सारा दिन पड़े पड़े थकती नहीं हो क्या? भाभी आप ऐसा क्यों कह रही हो, मैं सफाई कर दूंगी। सुनो जी, कब तक अपनी बेटी के घर पर बोझ बने रहेंगे, चलो कहीं काम ढूंढने चलते हैं। ममता और गिरधर काम की तलाश में निकल जाते हैं, जहां एक जगह पर चल रही मलबे के काम में उन्हें ईंट ढोने का काम मिल जाता है। सारा दिन काम करते रात ढले वो घर आते हैं। पिताजी, माँ, कहाँ चले गए थे आप? हाँ समधी जी, आखिर आप दोनों दिन भर कहाँ थे? वो बहन जी, हम काम ढूंढने गए थे, थोड़े दिन में हम चले जाएंगे। जूली की तानों भरी बातें गरीब मायके वालों के मन में घुलती रहती हैं। ऐसे में गिरधर और ममता भरी गर्मी में खून पसीना बहाकर पाई पाई जोड़ने में जुट जाते हैं और एक दिन जब पिंकी पंखे की हवा में बैठी होती है तभी छत का पंखा गिरने को हो जाता है। ये देखकर गिरधर दरवाजे से दौड़ता हुआ आकर चिंकी को बचा लेता है। चिंकी डर कर गिरधर की गोद में सिमट जाती है। चिंकी मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, चाची के पिताजी ने मुझे बचा लिया। घबराओ मत जूली बिटिया, सब ठीक है। अचानक जूली के घमंडी आंखों के आगे बीते दिनों की छवि उभर आती है कि कैसे जूली ने घर आए संध्या के गरीब मजबूर माँ बाप का मजाक बनाया था। ये सोचकर जूली की आंख में पछतावे के आंसू भर आते हैं। चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, घर आए मेहमान तो भगवान बराबर होते हैं और मैंने उन्हीं का अपमान किया। जाने दो बेटी, जो हो गया सो हो गया, मेरे लिए जैसी मेरी बेटी संध्या और पूजा है वैसे ही तुम भी हो। समधी जी, समधन जी, अब हमारे गांव के हालात ठीक हो गए हैं, सरकार सभी के घर बनाने में मदद कर रही है और अब हमें भी काम मिल गया है। अब इजाजत दीजिए और ये पैसे रख लीजिए। अरे समधी जी, ऐसा मत कीजिए, आप हमारे स्वागत सत्कार की बोली ना लगाइए। समधी जी, एक बाप बेटी के घर का पानी भी नहीं पीता और मैंने तो यहाँ बड़े वक्त खाया, अब मुझे इस कर्ज को चुकाने दीजिए। गिरधर का मान रखने के लिए शंकर पैसे ले लेता है और फिर गिरधर अपनी पत्नी ममता और बच्चों के साथ रामपुर लौट आता है। वहीं कुछ समय बाद शंकर के दोनों बेटे भी मेहनत करके उस एक कमरे के घर से निकलकर बड़ा घर लेकर खुशी से रहने लगते हैं और अब जूली का स्वभाव पहले जैसा नहीं रहा, वो संध्या के जैसे ही भले स्वभाव में ढलने लगी।